अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टॉपिक में रेफरेंस एंगल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेफरेंस एंगल अगर हमारे पास गिवन हो, जैसे कि मैंने कहा कि रेफरेंस एंगल बेसिकली किसी एंगल का होता है, तो अब अगर हमें रेफरेंस एंगल पता और हमने ये जानना हो कि ये किस एंगल का रेफरेंस एंगल बनेगा, तो अगर रेफरेंस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हो तो उसके लिए मैंने कहा कि जो एंगल होगा वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल होगा। अगर थर्ड में आ जाए तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई एंगल है जिसका रेफरेंस एंगल गिवन है और आपने वो एंगल जानना है कि वो एंगल क्या है, तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक पाई होगा और ये रेफरेंस एंगल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई प्लस ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल बनेगा। सेकंड, अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, ठीक है। ये देखें यहां तक ये पाई हो गया और अगर मैंने यहां तक आना है तो मुझे रेफरेंस एंगल भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये जो एंगल है ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या होगा, पाई प्लस रेफरेंस एंगल होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब लेट से यहां पर ये जो है मेरे पास रेफरेंस एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ गया रेफरेंस एंगल और मैंने ये जानना है कि ये जो एंगल है ये क्या है, तो अगर आप देखें सिंपल क्या है, ये पूरा जो रोटेशन होती है ये 260 होता है, तो अगर मैं 260 में से ये रेफरेंस एंगल माइनस करूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, तो ये एंगल किस तरह से होगा, ये 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करना पड़ेगा, ठीक होगी बात, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास फोर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर रेफरेंस एंगल गिवन हो तो बाकी चीजें जो है हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहां मैं आपको बना के दे देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो रेफरेंस एंगल के ही इक्वल आएगा, एंगल होगा वो इक्वल आएगा रेफरेंस एंगल के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल और रेफरेंस एंगल सेम होंगे। अच्छा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के, पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो इक्वल आएगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल की इक्वल आएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और यहां पर आ जाएगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल हमें चाहिए वो अगर रेफरेंस एंगल गिवन हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सेकंड में अगर रेफरेंस एंगल गिवन हो तो एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास थर्ड के लिए भी हमने डिस्कशन कर ली और फोर्थ के लिए भी हमने क्या कर लिया, डिस्कशन कर ली, ठीक है। अच्छा अब जी, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम बेसिकली रेफरेंस एंगल हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, रेफरेंस एंगल हम यूज क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई है। तो लेट से स्टूडेंट, हमारे पास अगर आप सपोज करें, मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं कि साइन जो 30 है, साइन 30 उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि साइन 540 की वैल्यू क्या है, तो अब आपको जबानी ये वैल्यू नहीं याद, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं कि कॉस 45 की वैल्यू है, तो आपको ये वैल्यू इजीली याद हो सकती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो अगर आपको मैं कहूं कि कॉस 650 की वैल्यू बता दें, तो ये मुश्किल हो रही है। उसी तरह अगर आप 10 60 की वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं, 30 45 और 60, में इसी में आपको बता रहा हूं, तो वही आपको पता है कि ये होती है √3। तो उसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 350 की वैल्यू फाइंड करने, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे जैसे एंगल जो है वो 0 से 360 के इंटरवल से बाहर होगा, तो हमारे लिए उस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर हमारा एंगल जिसका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो हमारे पास 0 से 360 मतलब फर्स्ट रोटेशन से बाहर होगी, तो उसकी वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि जो भी एंगल गिवन होगा, लेट्स से हमारे पास एक एंगल गिवन है, मैं कहता हूँ साइन गिवन है, कोई भी हम ले लेते हैं 400 गिवन है, ठीक है, साइन 400 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो डायरेक्टली हम साइन 400 की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि जो एक्यूट एंगल है, जो रेफरेंस एंगल, वो बेसिकली एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 90 के दरमियान होता है। तो 0 90 के दरमियान आपको पता है 30 45 60, ये तीनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जस्ट इस 400 का रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेंगे। तो जब इस एंगल का हम रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है, रेफरेंस एंगल जब इसका हम फाइंड करेंगे, लेट्स सी कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा हमारे पास। 400 का जो एंगल है वो लेट्स से हमारे पास कहाँ आएगा 400, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, क्योंकि पूरी जो रोटेशन होती है 360 होती है ना, यहां पर आ गया 360, ये आपके पास 360 में अगर मैं 40 ऐड करूं यहां तक लेट से, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो रोटेशन है यहां तक 360, उसमें 360 में 40 ऐड करूंगा, तो चूंकि पूरा जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारे पास 90 डिग्री का होता है, तो अगर यह है पूरा 90 है, तो इसमें अगर मैंने 360 में 40 ऐड करूंगा तो 400 आ जाएगा। लेट्स से यहां पर मैं ये भी कर लेता हूँ, एंगल ड्रॉ भी कर लेता हूँ कि एंगल जो है वो कुछ इस तरह से यहां बन गया आपके पास, ठीक है। और इस पे मेंशन भी कर देते कि ये जो एंगल बन रहा है ना यहां पर, ये जो एंगल यहां बन रहा है, इसको हम कह देते कि ये 400 का क्या है, एंगल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास, ये आपके पास आ गया 400, ठीक है। तो अब जरा चेक करें, अगर हम इसका रेफरेंस एंगल निकाल लें, ठीक है, 400 का अगर हम रेफरेंस एंगल निकाल लें, तो वो डेफिनेटली रेफरेंस एंगल जो होगा वो 0 से 90 के दरमियान लाइक कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 400 की जगह उसके रेफरेंस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास सिंपल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 400 की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो रही है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 400 का रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेंगे। जब 400 का रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे लिए उस पर साइन अप्लाई करना आसान हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, अगर आप इस 400 का रेफरेंस एंगल चेक करें, तो रेफरेंस एंगल क्या होता है, किसी भी एंगल के टर्मिनल साइड और करीब वाले एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है वो उस एंगल का रेफरेंस एंगल होता है, ठीक है। तो ये 400 का टर्मिनल साइड ये है और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं आपको क्लियर करूं, तो यहां तक ये जो रोटेशन हाई थी ये थी 360, तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये 40 डिग्री का है। ये क्या है, 40 डिग्री का है। तो मतलब 400 का जो रेफरेंस एंगल बनेगा, 400 का जो रेफरेंस एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 40 डिग्रीज बनेगा। अब जरा वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं साइन 40। तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो अगर आप चेक करें तो साइन 400 की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.64 आ रही है। और उसी तरह से मैं साइन 40 की भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो साइन 40 की जो वैल्यू है, साइन 40 वो भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रही है, 0.64 आ रही है। तो इसके आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि रेफरेंस एंगल आपको क्या कर देता है, एंगल जो है वो छोटा कर देता है, 0 से 90 के दरमियान ले आता है। तो आप 400 की भी देखें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 400 का भी आंसर 0.64 और साइन 40 की भी। तो ये बस हमें रेफरेंस एंगल क्या करता है कि वो जो एंगल है उसकी वैल्यू को ये कम कर देता है, जिसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।